यह वीर बहादुर सिंह तारामंडल गोरखपुर। यहाँ पर डेली 3 शो चलाए जाते हैं, पहला शो 1 बजे, दूसरा 3 बजे और लास्ट शो 5 बजे। प्रत्येक शो अभी जो है वह अप्रॉक्स 30 मिनट का रहता है। मंडे साप्ताहिक बंदी है और 30 या 30 से ऊपर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए 10 रुपीज पर पर्सन टिकट चार्जेज अप्लाई होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सिंगल में हैं, तो आपको 25 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट चार्जेज अप्लाई होते हैं। साप्ताहिक बंदी सोमवार है, जैसे कि मैंने अभी अवगत कराया। और यहाँ पर आकर के आप प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान का एक विस्तृत संग्रह जान सकते हैं। अंदर शो दिखाया जाता है, आपको लगेगा कि मानो आप ब्रह्मांड में हो, अंतरिक्ष में हो, चांद तारों को छू रहे हो, और फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरीज होती है आपकी ब्रह्मांड विज्ञान को लेकर के, खगोल विज्ञान को लेकर के, स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी को लेकर के, तो हमारे यहाँ पर लेक्चर हॉल है, उसमें बैठा करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में विधिवत तरीके से जानकारी देते हैं और आपको यहाँ पर मुझसे डायरेक्ट मिलने का मौका मिलेगा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एट द प्लेनेटोरियम BBS गोरखपुर। वेलकम पर है विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण, प्राचीन से लेकर आधुनिकतम का विस्तृत संग्रह। कोई ले कर सकते हैं, लेंस के माध्यम से ग्रेविटी देख सकते हैं आप लोग कैसे मूव करती है। 16वीं चंद्रशेखर और तारों का जीवन काल देखना होगा आपको तो पूरा वहां दिखाई देगा। तो बेटा सोलर सिस्टम दूसरे ग्रहों पर अपना वजन जानना होगा। नेम ऑफ द यूनिवर्स में जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में जानना होगा आपको। ब्रह्मांड के इतिहास से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर स्पेक्ट्रम विजुअल करने हो यहाँ पर आप लोगों को तो ये स्पेक्ट्रम विजुअल दिखाई देगा। नियोन का स्पेक्ट्रम, पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। गर्मी विधि लाइट यानी प्रकाश के साथ यात्रा, आप लोग जो भी सोलर सिस्टम से बाहर की चीजें हैं बियॉन्ड स्पेस वो देखेंगे। जैसे पूरा ऑप्टिक टेबल के माध्यम से आप लोग विभिन्न प्रकार के लेंस हैं उनके माध्यम से जो है कैसे रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से लेकर के बेसिक रे डायग्राम कैसे वर्क करते हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ये कंट्रीज ने दुनिया बदल दी, इंस्ट्रूमेंट देंड्स अवर्ड साइज और सेलेस्टियल बॉडी डिफरेंस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। इसका अडैप्टर है, मक्कू सुबह रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर है, न्यूटोनियन है, डॉक्सोनियन है। तो ये विभिन्न प्रकार की खगोलीय दूरदर्शी हैं उनके माध्यम से आप जानेंगे। प्राचीन खगोलीय उपकरणों के बारे में पढ़ना होता है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरा आप आएंगे रेट्रोग्रेड मोशन, प्रतिगामी पृष्ठगामी या रिवर्स मोशन ऑफ ग्रहों की उल्टी गति के बारे में देखना हो। मार्स है, अर्थ है, आप अर्थ से मार्स को देख रहे हैं तो रेट्रो करता हुआ नजर आएगा उसके बारे में। अर्ली मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल के आरंभ मॉडल क्या है उनके बारे में पूरा, और क्वेश्चन पाषाणकालीन पाषाणकालीन एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना हो, नाइट स्काई डार्क क्यों है यहाँ जान सकते हैं। सीरीज ब्लीविंग जैसा देखा वैसा माना में यहाँ पर देख सकते हैं। पहली नक्षत्रशाला से लेकर के प्राचीन तक खोलिए प्रमाण से लेकर के पहला विश्व का मानचित्र में गुमंडी फॉर्म में, दूसरा आप देखेंगे कॉस्मिक फेज है ब्रह्मांडी चेहरा, हम लोग इन सारी चीज़ों में ऑब्जर्व करेंगे। कॉस्मिक फेज है यूनिवर्स के बारे में, राम यंत्र के बारे में पढ़ना होगा आपको। विभिन्न प्रकार की खगोलीय गणनाएं प्राप्त करनी होती थी प्राचीन खगोलीय यंत्रों के द्वारा, चाहे वो जलचक्र यंत्र हो, कैसे मेजर करते थे टाइम टाइम वैल्यू वगैरह डे ईयर की, जलचक्र यंत्र पात्र डूबता समय बताता है। गोल हाथी चलता यंत्र के बारे में पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर आकर। विमेश यंत्र के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि पुत्र माधव सिंह द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया। और आप लोग सम्राट यंत्र के बारे में देखना होगा कि कैसे जो है छाया सूर्य की जो सनराइज पड़ती है इसके कारण इसकी जो छाया बनेगी उसके कारण डे की वैल्यू जाती थी। प्राचीन से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान का एक विस्तृत संग्रह है। मैं अमरपाल सिंह खगोलविद, वेलकम ऑल ऑफ यू।